सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम 10th क्लास की स्केल नंबर 24 पढ़ेंगे। स्केल नंबर 24 है ये, जिसको हमने सॉल्व करना है। ये हमारा एक साइड बोर्ड है, साइड बोर्ड की स्केल है और इसकी लेंथ है 94 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 60 सेंटीमीटर और हाइट है 109 सेंटीमीटर, 109 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो इसकी मैंने कागज वाट कर ली है, हाइट में स्केल आपकी बननी है। तो हम इसको बनाने के लिए हमें फुट्टा चाहिए 1.8 सेंटीमीटर का। तो ये हमने ले लिया, 1.8 सेंटीमीटर का फुट्टा ले लिया है और बिना देरी किए हम इसको शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा, इसमें ऊपर से हम 3 सेंटीमीटर की फट्टी लगी हुई है, 3 सेंटीमीटर यहाँ से ले लेंगे। यहाँ भी हम 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं और हम इसको डार्क ऊपर मिला देंगे। मैं कोशिश करता हूँ पहले वही लाइनें लूँ जो हमारे को डार्क लगानी है, मिटानी ना पड़े। इस तरह से अब हमने इसमें लेना है, यहाँ से इसमें पाए बने हुए हैं और पाए इसके 6x6 के हैं, तो यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। यहां भी 6-6 सेंटीमीटर काट देते हैं। और अब हम इसको मिला देंगे। ये भी हमारा डार्क कार्य है। इस तरह से अब हमने इसमें नीचे से फट्टी लगानी है 15 के बाद 5 फिर 2 सेंटीमीटर। 15 सबसे पहले हम 15 ले लेते हैं। पंद्रह के बाद 5, 4, 5, 5 के बाद 2। मैं कट्ठे ले लेता हूँ निशान, जल्दी कार्य हमारा हो जाएगा। यहाँ से 15 के बाद आपका 5, 5 के बाद 2। ये सारी जो लाइन हमारी है वो डार्क इसमें आनी है। यहाँ से और इनके हमें प्रोजेक्शन भी लेना है डॉटेड। यहाँ से हम अंदर पायों के अंदर हमारा ये डार्क आएगा और बाहर को हमारा ये यहाँ से 2 सेंटीमीटर डॉटेड आएगा। इस तरह से अब आपकी ये लाइन आएगी, ये भी हमारी अंदर डार्क आएगी, यहाँ हमारी ये डॉटेड आएगी। और ऊपर से भी इसमें फट्टी लगी हुई है 8 सेंटीमीटर की, तो यहां से हम 8 सेंटीमीटर काट देंगे। और हम इसको मिला देते हैं। इसमें हम बाहर को डॉटेड लाइन लगा देंगे साथ साथ ही, इस तरह से। और हम यहाँ से 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं डॉटेड लाइन लगाने के लिए और यहाँ नीचे भी इसमें 2 सेंटीमीटर का निशान लगा देंगे।
यह आपका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अब हम इसको मिला देते हैं। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे है तो हम सिर्फ इतना ही इसको 2 सेंटीमीटर मिला रहे हैं। ऊपर से जो ये हमारा डॉटेड आना है, ये हमारा यहाँ से लेकर के पूरा ही आएगा, यहाँ से इस जो आपका पाया है, इस पाए में ये आपका 2 सेंटीमीटर का डॉटेड यहाँ तक, यहाँ पे भी, इस तरह से हमारा डॉटेड आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इसमें पूरी 2-2 सेंटीमीटर की फटिया लगी हुई है। तो ये हमारा ये इस तरह से आना है। बाद में मैं इसको थोड़ा फेयर करूँगा, फिर आपको ये थोड़ा डार्क अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, इसके हाफ करना है। तो अगर आपको पता होगा इसकी जो लेंथ है वो 94 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 94 सेंटीमीटर है। ये 6-6 सेंटीमीटर हमने निकाल दिया है तो 12 सेंटीमीटर घट गया। यदि हम इससे 12 सेंटीमीटर 94 से यदि हम 12 सेंटीमीटर घटा देते हैं तो ये हमारा रह जाता है 82 सेंटीमीटर, और 82 का आधा होता है 41। तो हमने यहाँ से 41 सेंटीमीटर लेना है, इसका हाफ करना है। तो ये आपका 32, 34, 36, 38, 40, ये आपका 40, और एक में यहाँ से ले लेता हूँ, ये आपका आ गया 41 सेंटीमीटर। यहाँ भी मैं इसी तरह से लूँगा, ये आपका 36, 40 और 41, यहाँ पर 41 है। तो मैं इसको मिला देता हूँ, ये भी हमारी बिल्कुल डार्क लाइन आनी है क्योंकि इसका हाफ हुआ है इस तरह से, ये आपका हाफ हो गया। अब इसमें यहाँ पे जो है वो अलग से डॉट टाइप में बना हुआ है, उस वो जो है वो बिल्कुल बीच में है। तो उसमें नीचे से ऊपर को 8 है, ऊपर से नीचे को 8 है, इधर को भी 8 है, इधर को भी 8 है। तो मैं सारे माप एक साथ ही ले लेता हूँ यहाँ से। तो ये आपका है 8, इधर को भी है 8, बीच में है ये 25। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ये आपका 25 आ गया है। यहाँ से 8 है, यहाँ से भी 8 सेंटीमीटर है, आठ हमने लेना है, इस तरह से। इधर भी हमने इसको 8-8 सेंटीमीटर लेना है, और हम सीधा इसको यहां पे 8 ले लेंगे, लास्ट वाली लाइन में, बीच में नहीं लेंगे। इस तरह से जो हम इसको मिलाएंगे यहाँ पे, तो ये आपका 8 का निशान है। तो ये यहाँ से नीचे हमने सिर्फ यहाँ तक, इस 8 तक, यहीं तक ये डार्क लाइन हमने लगानी है। यहाँ पे भी हम IDS इसमें लाइन लगाएंगे ताकि कम लाइन हमें मिटानी पड़े। इस तरह से और इस तरह से हम इसको यहां पे मिला देंगे, और यहां पे भी हम इसको मिला देंगे। थोड़ी थोड़ी सी हमारी फालतू लाइनें हैं,
इन लाइनों को हम मिटा देंगे। ज़्यादा लाइनें हमारी फालतू नहीं लगी है, हमने आईडी से पहले ही सही लाइनें लगा दी थी। इस तरह से ये हमारी बन गई। अब इसमें यहाँ पे फट्टी बनी हुई है, यहाँ पे फट्टी बनी हुई है और उस फट्टी की जो दूरी है वो ऊपर से 25 सेंटीमीटर है, 25 के बाद ये 2 सेंटीमीटर है, तो हमने ऊपर से 25 सेंटीमीटर लेना है यहाँ से 24, 25 और यहाँ से 2 सेंटीमीटर। अब हम सीधा यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि दोनों में यानी एक ही साथ इसके निशान लेने हैं। यहाँ पर 25, मैं ही से भी 25 और 27 पे निशान लगा सकते हैं, ये आपका 2 सेंटीमीटर। चाहो तो आप अलग से नाप लो, नहीं तो आप सीधा 25 और 27 पे भी निशान लगा सकते हैं। ये जो आपकी लाइन है वो यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क है और बाहर को जो है वो 2 सेंटीमीटर डॉटेड है, यहाँ से इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे और आप देख सकते हैं यहाँ तक ये डार्क आएगी। इस तरह से अब हमने इसको 2 सेंटीमीटर जो है वो डॉटेड लगाना है। इस तरह से हम इनको मिला देंगे 2 सेंटीमीटर को भी। इस तरह से इसमें बाहर को इसके डॉटेड आ जाएंगे और इस तरह से अब हमारा जो एलिवेशन है वो भी बन के तैयार हो गई है। इसमें इतना ही कार्य, एक छोटा सा कार्य और है तो बहुत बारीक। इसमें आप देख रहे हैं साइड में, आप देखिए साइड में इसमें एक ना हाफ से ऊपर जो ये जैसे मैंने ये फट्टी ले रखी ना, इसके ऊपर यहाँ साइड में एक आधे सेंटीमीटर की फट्टी बनी हुई है, आधे सेंटीमीटर मोटी है ये जो है ना, ये 2 सेंटीमीटर की, इसकी 1.1/2 लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप आधे सेंटीमीटर भी ले सकते हैं यदि आप चाहो तो, यहाँ पे उसको आप डॉटेड शो कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि बहुत बारीक कार्य हो जाएगा, बच्चे अगर इतना भी कर लेंगे तो भी आपके लिए कम नहीं है, बहुत अच्छा है अगर इतना भी कार्य आप अच्छे से कर सकते हैं। अब हमने इसकी बनानी है साइड, तो यहाँ से यही मैं 2 सेंटीमीटर ले लेता हूँ ऊपर सबसे पहले, इस तरह से। अब हमें यहाँ से लेंगे 6 सेंटीमीटर, ये आपका डार्क आएगा। इस तरह से और अब हमने ऊपर से नीचे को ये जो आपका है 8 सेंटीमीटर का है, ये आपकी लाइन आएगी। साइड आपकी जल्दी बन जाएगी क्योंकि हमने यही सीधे प्रोजेक्शन इसके लेने हैं यहाँ से, और नीचे से यदि हम देखें तो ये आपका ये है 15 सेंटीमीटर के बाद, इसका हम यहाँ पे डॉटेड ले लेते हैं, बाहर को इसके डॉटेड आ जाएंगे इस तरह से। अब अगला आपका है 15 के बाद आपका है 5 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ पे अंदर डार्क आ जाएगा
बाहर का डोटेड आ जाएगा। और उसके बाद हमारा है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी अंदर लाइन डार्क आनी है, बाहर को ही हमारी डॉटेड आएगी 2 सेंटीमीटर की। उसके बाद सेम ये चीज़ है आपकी, ये 8 के बाद है हमारा, यहाँ पे मैं इसको, हमारा आना तो डार्क है ये, तो इधर को मुझे 8 सेंटीमीटर काटना है, इसलिए मैं इसको हल्की सी अभी लाइन लगा रहा हूँ इस तरह से। और उसके बाद ये हमारी है ऊपर से नीचे का, मैं देखता हूँ वहीं से ले लेता हूँ पहले, फिर आपको थोड़ा अगर आप नाप के भी करेंगे तो भी आपको दिक्कत ना आएगी। तो ये ऊपर से नीचे है 8 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे हल्का सा आगे और पीछे थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ मिटाने के लिए। अब ये है हमारा 25 सेंटीमीटर, यहाँ से ऊपर से नीचे को 25 सेंटीमीटर, तभी मैंने नीचे से प्रोजेक्शन इसके नहीं लिए, ऊपर से लिए, ये 25 के बाद 2, ये आप देख सकते हैं ये 25 के बाद 2 इस तरह से आएगा। अब मैं यहाँ पे इसमें 8-8 सेंटीमीटर छोड़ देता हूँ दोनों साइड, 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली 8 छोड़ देता हूँ। और इस तरह से इसको मिला देंगे, ये आपका हो गया इस तरह से, ये आपका 8-8 सेंटीमीटर आ गया है। आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी इसके साइड में भी इसके डॉटेड आने हैं, तो ये मैं इसके डॉटेड ले लेता हूँ, यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर के, इस तरह से इसमें डॉटेड आने हैं। और यहां भी मैं लगा लेता हूं इसमें 2 सेंटीमीटर, ये आपका 2 सेंटीमीटर है डॉटेड, ये आना है डॉटेड के लिए मैं लगा रहा हूँ। और यहाँ पे इसके प्रोजेक्शन बाहर को जाना है, जैसे यहाँ आए थे तो यहाँ भी मैं इसके डॉटेड बाहर को ले लेता हूँ इस तरह से। अब मैं इसको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मिला देता हूँ, ये यहाँ से लेकर के ये पूरी फट्टी में आना है 2 सेंटीमीटर का डॉटेड, इस तरह से इसमें भी आएगा, यहां भी हमने 2 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ तक ये हमारा डॉटेड लाइन हमारी ये आनी है इस तरह से। और अब जो है ये आपकी साइट बन के हमारी तैयार हो गई, इतना ही कार्य हमारा साइड में इसमें बनना है। और अब हम बनाएंगे इसका प्लान, हमने इसका प्लान बनाना है। प्लान में
हमने इसके प्रोजेक्शन लेने हैं ऊपर से। पहले हम 2 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, फिर ये आपका 6 सेंटीमीटर है, उसके बाद ये आपका 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है। प्लान में ये जो है इसके प्लान में सिर्फ डॉटेड ही आने हैं और हल्के से आने, फटियों में ही आने, फिर भी हमें इसका नाप चाहिए। तो ये हमारे इस तरह से आ जाएंगे। अब ये आपका 6 सेंटीमीटर का है पाया, और ये आपका 2 सेंटीमीटर इस तरह से। अब हमने क्या करना है, आप इसके यहाँ निशान लगा दो, पूरा आपका सेट स्क्वायर यहाँ तक पहुंचेगा नहीं। अब पहले यहाँ पे इसमें निशान लगा दो, चाहे आप नाप के ले लो, जैसा भी आपको ठीक लगता है। इस तरह जल्दी हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ से 3 सेंटीमीटर यहाँ तक है, तो हमने यहाँ से 3 सेंटीमीटर का डॉटेड, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। इस तरह से यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर का हम डॉटेड लगा देंगे। ये हम जो है इधर को मिला देंगे इसको, और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हमारे 6-6 सेंटीमीटर के, 3 नहीं, ये 6 सेंटीमीटर, 6-6 सेंटीमीटर के हमारे ये पाए जो है वो बन जाएंगे। अब इसके बीच में 2 सेंटीमीटर जो है वो ये हमारी लाइन आ जाएगी, ये आपका 2 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। इसी के सीध में हमने, इसी की प्रोजेक्शन हमने यहाँ से नीचे, ये 2 सेंटीमीटर, ये पाई के बीच में 2 सेंटीमीटर है, तो हमने पाई के बीच में ही 2 सेंटीमीटर लेना है। इस तरह से यहाँ भी हम 2 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं, इधर को भी हमने 2 सेंटीमीटर के अंदर जो है डॉटेड फट्टी लगानी है। यहां से यहां मैंने नाप दिया है, इस तरह से, और यहां भी हम सेंटीमीटर ले लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारी 2-2 सेंटीमीटर की फट्टी जो है वो अंदर लग चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहां पे ये जो आपका है यहाँ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये हमने यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे हमने आगे से ये डॉटेड इसमें लगाना है, और यहाँ पे इसका हमने यहाँ पे डॉटेड लगाना है, इसका हमने
यहाँ पे डॉटेड लगाना है, ये आपका यहाँ जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे डॉटेड आ जाएंगे इसके बीच में, और इधर को जो हमने ये ले रखा है यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे इस तरह से इसके डॉटेड आ जाएंगे। इस तरह से आपका प्लान भी अब कंप्लीट हो गया है, और सारी स्किल आपकी कंप्लीट हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा फेयर कर लेता हूँ, जो ये फीकी लाइन है इनको मैं डार्क कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये जो है वो फेयर करके किस तरह से दिख रही है। इस तरह से ये आपकी स्केल बन के तैयार हो जाएगी। इसमें हमने सिर्फ स्केल कार्ड बनाना है, और हमारा जो स्केल कार्ड इसमें है यूज हुआ है वो है 1.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपके लिए ये होमवर्क है, आपने खुद जो है वो स्केल कार्ड इसमें बनाना, ये आपके लिए कार्य है। इस तरह से ये आपकी स्केल नंबर 24 बन के तैयार हो गई है, और ये हाफ सिलेबस भी आपका 10th क्लास का हो चुका है।